सर आप पेंटिंग के बारे में क्या जानते हैं? पेंटिंग के बारे में तो देश के बारे में तो क्या बताऊँ मैं, क्या है साहब ये जिंदगी जो है इतनी है कि इसका अंदर मैंने कभी कुछ काम किया, कभी मजदूरी भी करी, कभी किसान भी बना हूँ, कभी पौधा पाती भी करी, कभी किसी के नाम भी लिखे। या तो पेंटिंग के सवाल में सब पेंटिंग दो तरह की होती है, एक तो किसी ने कुछ दिया वो बना दिया, एक वो आदमी अपना दिमाग लगा जो उसकी जो कल्पना है उसमें खोए और जो कल्पना में जो उसकी चीज आँखों में जो जो ले जाए वो उसको अपनी कला के माध्यम से कर दे। वो पहले कैसे पेंटिंग होती है, पेंटिंग होती है। अब हम तो छोटे मोटे मुझे लिखना है बड़े कर लेते। मैं बाबू भाई की बात से सहमत हूँ क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में भी असली पेंटर वही होता है जो अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को वो चीज समझा दे जो उसके दिमाग में। ठीक है सर, तो इसी क्रम में आज हम आपको दुनिया की कुछ सबसे मशहूर पेंटिंग्स दिखाने वाले हैं। अच्छा अच्छा, आप इसे देखें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया। अच्छा, अभी जो पेंटिंग सर आपकी नजरों के सामने है उसका नाम है अमेरिकन गॉथिक। अच्छा, जो कि अभी शिकागो में स्थित है जो कि अमेरिका में है। और सर ये 20वीं सदी की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक। अच्छा अच्छा, इस पेंटिंग को सर 1930 में बनाया गया और इस पेंटिंग में एक बाप जो कि किसान है और उसकी बेटी नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जिस घर के सामने वो खड़े हैं उसे अमेरिकन गॉथिक हाउस के नाम से आज जाना जाता है। अच्छा अच्छा, बाबू भाई पेंटिंग देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे फोटो खींच के लगा दिया। हाँ, इतने साफ से, इतनी सफाई से, इतनी बेहतरीन गला लगी ना, कोई बहुत पहुँचा हुआ आर्टिस्ट होगा जिसने इतनी बड़ी पेंटिंग बनी है। क्या वो तो सब चीज़ ठीक है, बाकी ये जो दोनों बाप और बेटी जो किसान है आप देखो कि इनके चेहरे कितने उदास लग रहा है। अब ये देखो आप देखो, बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है ये जो बनाने वाला था वो यही चीज दिखाना चाहता था दुनिया को। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इसका कारण क्या, वो देखो हाथ में उनके हो जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम भिड़े हुए हैं, लेकिन उनकी कमाई इतनी हो रही कि सिर्फ वो अपना और अपना परिवार खाली घर ही चला रहे हैं। उनकी जो जो जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही, यह कि वो अपना तो शायद उसका भी इनको टेंशन। अगली जो पेंटिंग है सर उसका नाम है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। अच्छा अच्छा, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी नाम की सर ये जो पेंटिंग है ये 1931 की बताई जाती है। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक पेंटिंग रही है। हाँ, और इसमें आप देखेंगे कि घड़ियां पिघलती हुई दिखाई जाती है। हाँ, पीछे एक लेक नजर आती है और साथ में बंजर सी जमीन नजर आ रही है। हाँ, और इस फैंटास्टिक पेंटिंग को आज की तारीख में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखा गया है। जबरदस्त सोच का नतीजा है ये। बाबू भाई मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इतनी ज्यादा गहरी वाली सोच है ये, जैसे घड़ियां पिघल रही है, बंजर जमीन है, तो जो आर्टिस्ट के दिमाग में चल रहा है वहाँ तक तो हमारी सोच पहुँच ही नहीं सकती, पर हाँ जो मेहनत करी है उसने, वो साइंटिस्ट की जो बता रहे हैं थ्योरी को कुछ दर्शाया है वो वाकई में काबिल तारीफ है, बहुत शानदार। देखो कि हर चीज को एक अपने दिमाग से लेकर उसको करके लोगों के सामने लाना, उससे बड़ी कगड़ा नहीं कर सकती है। ये जो बहुत बड़ा वरदान है उस कलाकार को मालिक की तरफ से, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया तस्वीर है, बहुत शानदार है सर। और है हम तो देखना चाहेंगे आगे। आप आगे लगाइए आपको। सर अगली जो पेंटिंग है उसका नाम है द किस। अरे हाँ, इसका मतलब तो मेरे को पता है सर। इस पेंटिंग को सर 1907 से लेके 1908 के बीच में बनाया गया। ओहो, कितनी पुरानी पेंटिंग है यार। सर ये जो पेंटिंग है ये वियना में है और ये बहुत ही ज्यादा मशहूर पेंटिंग है। इसमें दो प्रेमियों को दर्शाया गया है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे हैं। सर आप जैसे कि आप बता रहे हैं इसमें प्रेम की अनुभूति बताई जा रही है, तो वो कोई ऐसी वैसी चीज तो है नहीं, क्योंकि प्रेम तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊपर है। तो और देखने में जो चटक रंगों से उसने इस अनुभूति का प्रदर्शन करा है वाकई में काबिले तारीफ है। ये सब तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। अब ये बात तो ये है और देखो लगे सोना हुई चांदी हुई ब्रेजिल हुआ, यानी उसको कोई सी चीज हर चीज उसको उखाड़ा और इतने बेहतरीन तरीके से
भावना खुद पे खुद सामने पेंटिंग हो या गाने हो, प्यार मोहब्बत जुड़ी हुई जो भी चीज होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं नहीं होता। ये बहुत बहुत बढ़िया पहने और बहुत बढ़िया चीज अच्छी लगी। अब जो सर अगली पेंटिंग है उसका नाम है नाइट हॉक्स शिकागो का। सर ये एक दूसरा आर्ट वर्क है, एक दूसरी पेंटिंग है जो बहुत ज्यादा मशहूर है। एडवर्ड होपर नाम के बंदे ने इसे पेंट किया था 1942 में। अरे वाह। इस पेंटिंग में हमें चार लोग नजर आते हैं, रात का समय है और डाइनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर। एक बड़े से कांच की विंडो के बाहर आपको अंधेरा नजर आता है, लेकिन जो मेन पेंटिंग है, मुख्य पेंटिंग है, वो बिल्कुल शाइन करती हुई चमकती हुई नजर आती है। बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं कि ये पेंटिंग अकेलेपन को दर्शाती है और दुनिया से अलग हटके जो लोग जीते हैं उसको दर्शाती है। इस पेंटिंग को देखने के बाद मैं एक बात तो बोलने चाहूंगी कि जो कलाकार रहते हैं इनकी एक अपनी दुनिया है, क्योंकि ये जो संदेश देते हैं ना वो भी समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मगर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। इसमें ऐसा लग रहा है एक तरफ दंपत्ति खड़ी हुई है और एक तरफ जो है बंदा बेचारा अकेला बैठा हुआ है और खिड़की की चारों तरफ अंधेरा है और इधर की तरफ रोशनी है, तो कुल मिलाकर खुशी भी है और गम भी है, एक मिली जुली सी जो है प्रक्रिया है। मेरी तरफ से शायद वो ही उकेरना चाह रहा था। लेकिन इसमें मैंने एक देखा है कि एक आदमी है तो वो दारू पी रहा है और लगा कौन सा अपना गम करने को डूबा हुआ है, वो गम को दर्शाने के लिए नहीं है। ये पेंटिंग मैंने बिल्कुल भी देखा था, बहुत बढ़िया है ना, उसके दिमाग को और उसकी कला को दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनी। सर जो अगली पेंटिंग है उसका नाम है द ग्रेट वे ऑफ कनागावा। ये एक ऐसी जापान से आई पेंटिंग है जो कि बहुत मशहूर है। ये जापान के एक आर्टिस्ट ने 1829 से लेकर 1833 के बीच में बनाई थी और रॉक पेंटिंग का इसमें इस्तेमाल किया गया। जैसा कि इसमें नजर आ रहा है एक समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें नजर आती है जो कि चटा नीले रंग की है और तीन बोट हमें नजर आती है। और आपको जो पीछे एक पहाड़ नजर आ रहा है वो फूजी माउंटेन करके एक जगह है जो कि एक ज्वालामुखी भी उसको भी यहाँ पे दर्शाया है आर्टिस्ट ने। अभी तक इतनी देखी पेंटिंग सबसे पुरानी पेंटिंग रही है मेरे हिसाब से, तो ये पेंटिंग जो है वो संघर्ष की दास्ता को दर्शा रही है ना। बहू भाई देखो इसमें जो लहरें हैं वो भी इतनी ऊंची ऊंची उठी हुई हैं, उसमें नाव फंसी हुई है और रही सही पीछे जो दर्शा रहा है वो पहाड़ वो ज्वालामुखी है, तो कुल मिला के बहुत संघर्ष करना है और उससे बाहर आने की दास्ता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। सर उसकी कल्पना को सलाम करता हूँ, उसके जो आर्ट है उसको सलाम करता हूँ सर। आगे लगाइए आप। अगली पेंटिंग जो है उसका नाम है वाटर लिलीज। अच्छा अच्छा। इसके अंदर तकरीबन 250 अलग अलग जो पेंटिंग का समावेश है। ओहो हो क्या बात है। इसको बनाने वाले आर्टिस्ट ने इसे 1896 से लेके 1936 के बीच में पेंट किया है। अच्छा अच्छा। और जो इसका मुख्य सब्जेक्ट है पेंटिंग का वो वाटर लिलीज जो कि फूल होते हैं, उसका एक तालाब है जो कि उसके घर में ही पिछवाड़े की तरफ स्थित था। अरे वाह। इसमें आपको कई दूसरे फूल देखने को मिलते हैं, नदी का ब्रिज देखने को मिलता है। ये जो आर्टिस्ट है इनकी पेंटिंग बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है और ये दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियमों में प्रदर्शित की हुई। अच्छा। ये कुदरत के आलम जो पेंटिंग होती है ना सदा बाहर होती है, जब भी देखो नहीं दिखती है और इतनी बढ़िया लगती है कि उस तस्वीर से नजर हटाने को मन ही नहीं कहता। और बाकी में क्या दर्जी न कलर क्या दर्जी नजारे है, यानी उसने कितने अच्छे तरीके से ये तो बाबू भाई एक ताजगी देने वाली पेंटिंग है। हाँ, क्योंकि जितनी भी प्रकृति से संबंधित पेंटिंग होती है उससे आपको ताजगी मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको बिल्कुल खुशी मतलब आती है अंदर से देख के। और दूसरी बात पेंटिंग के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी होती है। हाँ, और कुदरत से बढ़ के तो कोई प्रेरणा हो ही नहीं सकती। अगली जो पेंटिंग है सर उसका नाम है नाइट वॉच। अच्छा। एम्स्टर्डम के म्यूजियम का कहा जाता है कि सबसे फेमस ये आर्ट वर्क है। अच्छा। डच गोल्डन एज की सबसे बेस्ट पेंटिंग कहा जाता है इस पेंटिंग। अच्छा अच्छा। 1642 में रेम्ब्रांट वैन विक नाम के आर्टिस्ट ने इसे बनाया था। सर इस पेंटिंग में आपको बहुत से सोल्जर दिखाए जा रहे हैं जो कि कहीं जा रहे हैं। साथ में सबसे अच्छी और खास बात इस पेंटिंग की बताई जाती है इसमें जो कलर और लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो देखने में लगता है कि मानो असल चीजें हैं ये और अभी निकल के तस्वीर से बाहर आ जाएंगे। बाबू भाई सबसे जो विशेष बात है ना इसमें
जो कलरों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे वो पीछे लड़की है वो चमकीली है, आगे जो बंदा है वो थोड़ा डल कलर का है, फिर उसके बाद में फिर चमकीले कलर का है, तो आहा कुल मिलाकर ये जो कलरों का इसने समावेश बिठाया ना, वाकई में इस कलाकृति को जीवंत कर दिया। वो लाइट का शेड भी उन्होंने जो कितने अच्छे तरीके से दी जाए कि हाँ कौन से जगह पे लाइट कैसे पड़ गया और कैसे मतलब हर तरह से दिमाग लगा सोच समझ के बाकी में ये पेंटिंग फिनिश की। बाकी बहुत गजब की पेंटिंग बाबू भाई, पेंटिंग बनाना एक अलग बात होती है, मगर जिंदा पेंटिंग बनाना वो इस पेंटिंग में नजर आ रही है। मैं कह रहा हूँ बाकी में उसके दिमाग को मैं सलाम करूँ। अगली जो पेंटिंग है सर उसका नाम है द स्क्रीन, जिसका मतलब होता है चीर। अच्छा, नॉर्वे के आर्टिस्ट एडमंड मुंच ने इसको बनाया। अच्छा अच्छा, खून की तरह दिखने वाले आसमान के सामने एक बहुत ही डरा हुआ चेहरा बताया गया है जो कि घबराहट में। एडमंड मुंच ने इस स्क्रीन नाम की पेंटिंग के कई दूसरे वर्जन भी बनाए। अच्छा अच्छा, जो पहला वर्जन है वो 1893 में बनाया गया। अच्छा अच्छा, और नॉर्वे की नेशनल गैलरी में ये डिस्प्ले पर लगा हुआ। 1994 में एक हाई प्रोफाइल डकैती हुई थी जिसमें इस आर्ट को चुरा लिया गया था। अच्छा अच्छा, कुछ ही महीनों बाद वापस इसे पा लिया गया। अच्छा, 2004 में वापस से इसका दूसरा एक वर्जन चुरा लिया गया। बाप रे बाप, 2006 में वापस से उसे रिकवर कर लिया गया। अच्छा अच्छा, बाबू भाई ये तो बहुत ही बहुमूल्य पेंटिंग दिख रही है। हाँ? एक तो पुरानी है वो तो समझ में आता है, मगर चोर भी बारी बारी से चोरी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब अलग सा ही मामला है। अब ये देखो आपको चीजें कितनी खूबसूरत बताती है, इस पेंटिंग में देखे एक आदमी जो सीख गया है जिंदा जा है, अब ये समझ रहे हैं कि वो खुशी में सीख गया है या वो काम में सीख गया। बाबू भाई क्या ये जो आदमी जैसा बन रहा है इस पेंटिंग में, इसकी जैसी नकल कर सकते हो? मैं ये वाले चेहरे की बात नहीं कर रही बाबू भाई, ऐसा पेंट करने की बात कर। अच्छा अच्छा, वो पेंट है। हाँ, ये भी कर सकता हूँ। अरे वाह भाई वाह, शायद किसी दिन एपिसोड गएंगे ना तो मैं कोशिश करूंगा ऐसी पेंटिंग बनाने की। अगली जो पेंटिंग है सर उसका नाम है गर्ल विद अ पर्ल इयररिंग, यानी कि एक लड़की जिसने मोती का बुंदा पहना हुआ है। अच्छा अच्छा, हालांकि कई बार एक दूसरी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सर 1663 में एक डच मास्टर द्वारा इसे बनाया गया। अच्छा, ये जो लड़की है ये एक काल्पनिक लड़की है जिसे सोचकर बनाया गया है, ये कोई असली लड़की नहीं, जिसने सर पर एक ब्लू कलर की पगड़ी नुमा चीज पहनी हुई है और बहुत बड़े बड़े मोतियों के बुंदे पहने हुए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है सर, इन्हें कितने अच्छे तरीके से उसको पगड़ी पहना के ऊपर से डालकर कान में वो बड़े बड़े मोती पहना के क्या गजब का है बाबू भाई। वो सबसे बड़ी बात है, जरा सोचो कि वो एक कल्पना है। हाँ, इसके जैसा जीवंत इंसान नहीं है। हम तो अगर आप हमसे बोले पेंटिंग बनाने का तो हम तो जिंदा इंसान की नहीं बना सकते, और उसने अपनी कल्पना से एक पूरी पेंटिंग बना दी। क्या बात, देखने में तो ऐसा लग रहा है बाबू भाई जैसे वो जा रही हो और अपन पीछे से ऐसा करते हैं ना कंधे पे हाथ रख के और वो ऐसी पलटी हो। और वही कह रहा हूँ कितना खूबसूरत, कितना सही अंदाज के अंदर उसका चेहरा उसने घुमाया, बाकी वो तारीफ के काबिल। सर जो अगली पेंटिंग है उसका नाम है द लास्ट सपर, इसको सर तकरीबन 1490 के करीब पेंट किया गया है। अरे बाप रे बाप, इतनी पुरानी पेंटिंग है यार, 1490 है, उससे कोई थोड़ी है। अब आगे कुछ बोला मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये बिल्कुल इसे लग रहा है। द लास्ट सपर जो पेंटिंग है इसे कहा जाता है कि पूरी धरती पे सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला आर्ट वर्क है। सोचो कितना मशहूर हुआ है पूरी धरती पे। हाँ, ये सर जो पेंटिंग है ये उस समय का दृश्य दर्शाती है जबकि जीसस अपने 12 जो साथी थे सहयोगी थे उनको बताते हैं कि तुम में से ही एक जो है वो धोखा दे। हाँ, मैंने एक फिल्म देखी थी मैंने कि वो इसमें वो एक है धोखा देता, वो गद्दा देता है और वो धोखा देता है। मेरी तो दिमाग यूँ काम नहीं कर रहा है। हाँ? कि ये इतनी पुरानी पेंटिंग है, 1400 के समय पे इसको बनाया गया था। हाँ, अभी तो रखी हुई है। उस समय की पेंटिंग है, मगर देख के ऐसा लग रहा है कि आजकल के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया होगा। हाँ, और, इतनी पुरानी पेंटिंग है। और जो मैंने इतने साधन में नहीं होने चाहिए कैसे बनाया होगा, मतलब ये सुन। और दूसरी बात, एक चीज और महत्व रखती है जो संदेश पेंटिंग में से देना चाहिए। हाँ? वो संदेश पूरी तरह से समझ में आ रही है, मतलब आप किसी चीज से संबंधित कर पा रहे हो उस चीज को।
जीसस की जो कहानी है वो तो एक बाइबल में नहीं लिखी, उस कहानी को तस्वीर में छाप देना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। ये कि देखो कितने अच्छे तरीके का अपनी महसूस कर रहे हैं ये इनसे क्या कहना चाह रहा है। बाबू भाई उनके कपड़े देखो, बर्तन देखो, छत देखो, मतलब उसने हर चीज की कल्पना की और उसे उकेर दिया। मैं वही तो कही, क्या बात है। अब जो पेंटिंग आती है सर उसका नाम है स्टारी नाइट, यानी कि सितारों वाली रात। विंसेंट वैन गोग करके एक मशहूर पेंटर हैं, उन्होंने इसको बनाया। इसलिए ये दर्शाता है कि उनका जो असाइलम था उसकी जो खिड़की वहां से जो दृश्य नजर आता था वो यहाँ दर्शाया है। और ये तकरीबन 1888 में बनाई गई पेंटिंग। इसके अंदर घूमते हुए सितारे नजर आते हैं, एक गांव का दृश्य है और उसके रात में जो सीन होता है इस तरीके से तारे गांव के ऊपर नजर आ रहे हैं वो सीन उन्होंने दर्शाया। और ये जो पेंटिंग है ये आज म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूड किया जाने वाला वर्क माना जाता है। बाबू भाई सितारों से भरी रात तो किसको अच्छी नहीं लगी। कुछ और इतना अच्छा, मतलब कि गांव है जो सो रहा है और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, मतलब दिल को सुकून देने वाला मंजर है। ऐसा सुकून देगा कि अभी जैसे ये मौसम है, आप कभी ये जो जमीन के अंदर कच्ची जमीन है और जो चांद अंदर और अंदर हवा का अंदर ये नजारा खुद आगे देखते थे, जैसे लगते थे सपने दिन में हो रहा है और इतने अच्छे से नींद आती थी मुझे। बाबू भाई मेरा एक ये भी बात मानना थी, ये जो विंसेंट साहब हैं अगर आज के दौर में होते तो ये सितारों वाली रात वो बना ही नहीं पाते, क्योंकि आज इतना प्रदूषण हो गया। जो हमारे बचपन के समय में तारे दिखते थे वो तो अब बिल्कुल नहीं दिखते हैं, और ये तारे दिखने ही बंद हो गए। जैसे कि तारे आप बता रहे कि गांव के अंदर दिखते हैं अपने, वो तो अब नजर भी नहीं आते हैं कुल मिला के। हमारे जमाने में जब हमारा जमाने में उस टाइम पे लाइट क्या होती, हम तो जानते भी नहीं थे, वही चुमनी वही लालटेन देखा करती थी, वो खटिया पे शौक पर हुआ तो नीचे देखो जमीन, ऊपर देखो तारे, अरे क्या था। अब क्या है, ये प्रदूषण और लाइट ये दोनों चीजें हैं, इसके लिए ये चीज। सर जो दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग करी जाती है उसका नाम है मोनालिसा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है सर कि 1500 की शुरुआत में इस पेंटिंग को बनाया गया था। और जिस आर्टिस्ट ने इसको बनाया था वो बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है, उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ये पेंटिंग लीजा नाम की एक महिला के ऊपर आधारित थी जो कि फ्लोरेंस की एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। 1911 में इस पेंटिंग को भी चुरा लिया गया था। वो बंदा जो चोर था वो इटली का था और उसका ये मानना था कि ये पेंटिंग हमारे यहाँ की है तो इसे इटली में ही लौट जाना चाहिए। अच्छा। 2 साल तक उस बंदे ने उस पेंटिंग को अपने घर में ही छुपा के रखा और फिर आखिरकार वो पकड़ा गया क्योंकि वो फ्लोरेंस की एक गैलरी को वो बेचने गया था। और वापस से आज मोनालिसा की ये पेंटिंग पेरिस में लटकी हुई है और तकरीबन 6 मिलियन लोग हर साल इस पेंटिंग को देखने आते हैं। मोनालिसा में तो वाकई में बहुत दम है बाबू भाई, 6 मिलियन लोग हर साल देखने के लिए आते हैं। वाकई में क्या चीज बनी होगी वो, और देखो अब ये ना तस्वीर अगर इसकी इतनी खूबसूरत है तो ये वाकई जमाने में ये महिला कैसी होगी मुझे सोच रही। बाबू भाई इस पेंटिंग को समझना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है एक पल तो वो मुस्का रही है और एक पल जैसे दुख में देख रही है उसको, मतलब। पर ये तो इतना तो पक्का है अगर मोनालिसा की तस्वीर कमरे में अकेली हो और मैं इसके सामने खड़ी हूँ तो ऐसा लगेगा कुछ समय बाद ये बोल पड़ेगी। नहीं लग रहा है नहीं कि वो उसको अभी तक ये है कि शायद कोई मित्र ने को देख रहा है ये इसे वो महसूस करिए। बाकी मैं इस बात को मैं खुद दिल से स्वीकार करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे बनाइए। बाबू भाई क्या आप ये वाली बना सकते हो? मैं इसका चेहरा तो बना सकता हूँ लेकिन जो इसके अंदर की जो भावना है वो भावना को मैं नहीं दे सकता हूँ। एक चेहरा बनाना चीज अलग है और एक चेहरे को बना के उसकी भावना। बहुत सही बोला बाबू भाई, वो हर किसी को मुझे काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। चेहरा बना सकता हूँ, भावना क्या है वो नहीं बना सकते। बाबू भाई मुझे आपकी बात सुन के लग रही है कि वाकई में आपको इसकी बहुत ज्यादा समझ है, वही क्योंकि वाकई में एक कागज पे उकेरना अलग बात होती है और एक संदेश देना उस चीज का वही। साहब ये वीडियो की कसम मुझे ऐसा है कि आपको देख के मैं ये गाना कह रहा हूँ, सुना मेरा भी आके जो तेरी देखी तो मुश्किल हो गया,
जो तेरी देखी। बहुत बहुत धन्यवाद।